आगरा में इस समय हर आंख नम है। आगरा के रहने वाले कैप्टन शुभम गुप्ता राजौरी में आतंकवादियों के साथ एक एनकाउंटर में शहीद हो गए। महज 26 साल के शुभम गुप्ता ने अपनी मां से वादा किया था कि वह सप्ताह भर में घर आएंगे। शुभम के पिता उनकी शादी की तैयारियां कर रहे थे। अचानक 22 नवंबर को उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शुभम के पिता बसंत गुप्ता आई फील प्राउड कहकर सिसक सिसक कर रोने लगे। आज शाम को कैप्टन शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर आगरा पहुंचा। पार्थिव शरीर लेकर सेना के जवान ताजगंज के प्रतीक एनक्लेव स्थित उनके आवास पर पहुंचे। आगरा के वीर सपूत को अंतिम विदाई देने बड़ी संख्या में लोग पहले से ही उनके आवास पर मौजूद थे। शहीद बेटी की एक झलक पाने को लोग सड़क के दोनों ओर आंख नम के खड़े नजर आए। यहां से शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर उनके गाँव कुआखेड़ा के लिए जाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन की रिपोर्ट।